हाथरस पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा सख्त पैरवी से घटना के मात्र 34 दिनों के भीतर न्यायालय द्वारा मासूम से बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सुनवाई सजा। आपको बता दें 2 जनवरी को चंपदा थाना क्षेत्र में एक 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसी के गाँव में रहने वाले रिश्ते में मामा वीरेंद्र पुत्र प्रेम पाल द्वारा दुष्कर्म की घटना अंजाम दी गई थी। विवेचक प्रभारी निरीक्षक थाना चंपदा श्रीमती नीता सिंह द्वारा फोरेंसिक साक्ष्य संकलन कर गुणवत्ता पूर्वक विवेचना पूर्ण कर एक मात्र 11 दिन में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय अधिनियम के जघन्य अपराध में अभियोजन व पुलिस की प्रभारी पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 6 फरवरी को घटना के मात्र 34 दिन के भीतर पॉक्सो कोर्ट जज श्रीमती प्रतिभा सक्सेना द्वारा अभियुक्त वीरेंद्र पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम भटेला थाना चंपदा जनपद हाथरस को धारा 376 चाभावी व 5-6 प्रोक्सो अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास अभियुक्त के रोष प्राकृतिक जीवन तक तथा 1,00,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जनपद हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र में दिनांक 2 जनवरी को एक 1.5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस प्रकरण की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना चंदपा कोतवाली द्वारा की गई, जिसमें फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना मात्र 11 दिनों के भीतर इनके द्वारा पूरी की गई और चार्जशीट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई। इसके उपरांत पुलिस तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी नियत दिनांकों पर समस्त गवाहों तथा अभिलेखों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मात्र 23 दिनों के भीतर माननीय न्यायालय द्वारा इस अभियुक्त को सजा सुनाई गई। इस अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 1,00,000 रुपए के जुर्माने से माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। इस प्रकार इस घटना कारित होने के मात्र 34 दिनों के भीतर इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी गई। मात्र 14 वर्किंग डेज में एडीजे पॉक्सो फर्स्ट ऑनरेबल प्रतिभा सक्सेना ने यह जजमेंट डिलीवर किया। ये मुकदमा चंदपा थाने का है, क्राइम नंबर 2 सन 2021, 2 जनवरी को ये मुकदमा दर्ज हुआ था। 14 जनवरी को न्यायालय में आरोप पत्र अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ अभियुक्त के द्वारा दुराचार किया गया था। ये शायद ऐतिहासिक जजमेंट है। मात्र 14 वर्किंग डेज, टोटल 23 डेज में ये जजमेंट डिलीवर किया गया है। अभियुक्त को दोषी पाया गया है, आजीवन कारावास, शेष प्राकृतिक जीवन तक उसे सजा दी गई है, 1,00,000 रुपए का जुर्माना इम्पोज किया गया है उसके ऊपर। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर